नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे पेंट प्लाजो की कटिंग, कढ़ाई वाले पेंट प्लाजो की कटिंग। ये देखिए, ये है हमारी कपड़े में कढ़ाई। अगर आपके पास भी कपड़ा है और उसके अंदर कढ़ाई है तो ये देखिए, आप सोचते हैं कि इसमें से तो हमें सलवार ही बनानी है, मन है आपका प्लाजो पहनने का, तो ये देखिए ये है हमारे पास कपड़ा। इसमें ये ऐसे पोचे पे कढ़ाई दी हुई है जिससे हम सलवार भी बना सकते हैं और पैंट भी। तो ये देखिए, सलवार तो हम बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। आज आप ये देखिए कि हम इसमें से पैंट कैसे निकालते हैं। पहले हम पैंट के फ्रंट हिस्से निकालेंगे। ये जो हमारी कढ़ाई है ये हम पैंट प्लाजो के फ्रंट हिस्से पे लेंगे। ये जो हमारी कढ़ाई है ये ऊपर वाले पल्ले पे भी दी हुई है और नीचे की तरफ भी दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। अगर हमारा इधर से मतलब कम ज़्यादा होता है तो बेशक हो जाए। जो ये हमारी कढ़ाई है इसको हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरह से ये हमने कढ़ाई को मिला लिया है। कढ़ाई हमारी ये सेंटर में ही दी हुई है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। इसमें जो हमारा है ये नीचे प्लेन दिया है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो हमें फोल्ड करने का एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने जितनी पैंट की तैयार लेंथ रखनी है उतनी हम ऊपर निशान लगा लेते हैं नाप कर। पैंट हमें तैयार रखनी है 37 इंच, 36 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी, 1.5 इंच। इस तरीके से ये देखिए, हमने जितनी हमारी तैयार लेंथ है उस पर निशान लगाया। यहाँ हमारी तैयार लेंथ है उसमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया और 36 इंच पर निशान लगा लिया है। अब जो हमारी ये कढ़ाई है ये हमें पूरी लेनी है, तो इसमें से हम 3 इंच कपड़ा ऐसे निशान लगा के एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, या पहले हम इसको निशान लगा लें जितना हमारा यहाँ से है, 5 इंच है, 5 इंच ही हम ऊपर से छोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब हम यहाँ से इसकी हिप नापना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेते हैं जिससे हमें निशान लगाने में कन्फ्यूजन ना हो और आपको समझने में। ये यहाँ तक हमने कपड़े को अलग निकाल लिया है क्योंकि पीछे वाले हिस्से में कढ़ाई नहीं है, तो हम कपड़े को वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप का निशान हम कैसे लगाते हैं, जितनी हमारी तैयार हिप है उसका हाफ हम लेते हैं, या जितनी हमारी तैयार हिप है उसमें 4 इंच प्लस करके हमारी तैयार हिप है 18 इंच, उसमें हमने 4 इंच प्लस किया, 18 में 4 हो गए 22, तो इसका हाफ हम ले लेते हैं 11 इंच। इसमें हमें और एक्स्ट्रा कहीं नहीं लेना है इधर उधर, तो 11 इंच पर हमने ये तैयार निशान लगाया। दस इंच का लिया हमने आसन। ढाई इंच लिया हमने इसके गोलाई के लिए एक्स्ट्रा। इस तरह से हम इसको गोल कर लेंगे। 1 इंच पर करते हैं हम इसको, यहाँ से 1 या 1.25 इंच पर। अब हमारा जितना ऊपर यहाँ पे है उतना ही हम यहाँ नापेंगे, 13.5 इंच हमारा यहाँ से है, तो 13.5 इंच पर ही हम ये निशान लगाएंगे।
साढ़े 13 इंच का सेंटर हम लेंगे, 7.5 इंच। अब हमें जितनी मोरी तैयार रखनी है, जितना हमने ये सेंटर का निशान लिया है यहाँ से हम रखेंगे, 7 इंच की हमें तैयार मोरी रखनी है। 3.5 इंच का निशान हम इस तरफ लगाएंगे और 3.5 इंच का निशान हम इस तरफ लगाएंगे। इस तरीके से ये हमने दोनों निशान लगा लेने हैं। अब जो हमारा ये तैयार आसन है, ये दोनों, ये मतलब जो हमने ये लाइन बनाई है, यहाँ से ऐसे आगे की तरफ से हम गोलाई करते हुए ये जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था इस पे मिलाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमारा पेंट प्लाजो का फ्रंट हिस्से की कटिंग हमारी हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, सिलाई करते हुए हमें कहीं और से इसमें कटिंग नहीं करनी है, बस दोनों तरफ से 1.5 इंच की हम सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हिस्से की कटिंग होगी है। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करते हुए कानी को अंदर की तरफ है और जो हमारा ये बंद हिस्सा है इसको हमने बाहर की तरफ रखा था, इसी तरीके से हम बैक हिस्से को रख लेंगे। सारी कपड़े की सलवटें निकाल कर हम कपड़े को अच्छी तरह से रख लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट हिस्सा, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये बैक वाला हिस्सा काटना है। इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। अब हम इसमें जब काटते हैं तो ये देखिए, ऊपर से हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं, जो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है इसमें हम क्या करते हैं, 1.5 इंच तो इसकी लेंथ का पूरा करने के लिए हम ऐड करेंगे, 2 इंच हम इसमें इलास्टिक का और 2 इंच हम पीछे की तरफ से हमारा पैंट प्लाजो ऊपर से उठे ना, इसलिए इसको आसन की तरफ से एक्स्ट्रा काटते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा लेने की कितनी ज़रूरत है, 3.5 और 5.5 इंच कपड़ा हम ऊपर छोड़ लेते हैं। इस तरह से ही हमने 5.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ लिया और इसको रख लिया। आगे से हमें इतना ही रखना है जितना हमने पहले फ्रंट हिस्से को काटते हुए रखा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच आसन की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने नीचे से लेके ऊपर तक पीछे की साइड से आसन की तरफ से 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। और जो हमने ये 5.5 इंच कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा लिया था उसमें से आगे की तरफ से
दो इंच का ऐसे निशान लगाएंगे, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे, यानी कि आगे से हमें कम लेना है और पीछे की तरफ से ज़्यादा लेना है। ये हम इसलिए लेते हैं कि हमारी पैंट बैठते हुए पीछे की तरफ से उठे ना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक वाले हिस्से की, जो हमने ये निशान लगाए हैं इनके अंदर की तरफ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये होगी है हमारी पैंट, कढ़ाई वाली पैंट प्लाजो की कटिंग। ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा और ये हो गया हमारा बैक हिस्सा। अब हम इसको क्या करेंगे, सारी कटिंग होने के बाद पीछे की तरफ सरका लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको सरका लिया और जो ये हमारी आसन में मतलब कम ज़्यादा हो गया है, तो अब हम इसको बराबर कर लेंगे। पूरी कटिंग के बाद हमें इसमें ये चीज़ ज़रूर नापनी है कि ये हमारी यहाँ से बराबर कटिंग हुई है या नहीं, तभी हमारी सिलाई परफेक्ट होगी, वरना हमारी सिलाई परफेक्ट नहीं होगी और हमारी जो ये टांगे हैं ऊपर से अंदर की तरफ से उठ जाएंगी, जिससे हमारी बिल्कुल भी परफेक्ट फिटिंग नहीं होगी पैंट प्लाजो की। तो ये थी हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग। अब हम इसमें पॉकेट और बेल्ट निकालेंगे। अब हम फ्रंट हिस्से का एक सेंटर का पॉइंट लेंगे, ये सेंटर पॉइंट का हमने निशान लगाया और इसमें हम 5.5 इंच की प्लेट डाल लेंगे। यहाँ तक 5.5 इंच तक हमने इसमें प्लेट डालनी है, ऊपर से 1 इंच इसकी मोटाई रखनी है और पीछे जाते जाते हमारी ये बिल्कुल इस तरीके से पैनी हो जाएगी। ये हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसकी निकालेंगे बेल्ट। इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, 1.5 इंच की हमें बेल्ट लगानी है, तो इसमें हमें 4 इंच कपड़ा बेल्ट के लिए चौड़ा रखना है और 18 इंच की इसकी लंबाई रखनी है। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट। और इस कपड़े में से निकाल लेंगे हम पॉकेट। बाईस इंच की हमारी पॉकेट की लंबाई होती है और 6 इंच की हमारी पॉकेट की चौड़ाई होती है। ये होगी हमारी पॉकेट। तो ये थी हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग। अगर आपको भी कढ़ाई वाले कपड़े में से पैंट प्लाजो की कटिंग करनी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और घर पर ही बड़ी आसानी से कटिंग आप कर सकते हैं। धन्यवाद।